हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सपीरियंसेस इन शॉर्ट। आई एम संगीता एंड आई प्रिपेयर अ लॉट ऑफ कंटेंट रिलेटेड टू होम, ट्रैवल, फैशन, लाइफस्टाइल, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल एंड यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल येट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑन टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अभी नवरात्रि, दिवाली, बहुत सारे फेस्टिवल्स इंडिया में आने वाले हैं एंड वी इंडियंस लव डेकोरेटिंग आवर हाउसेज ड्यूरिंग दिस सीजन। तो मेरे को लगा दिस फेस्टिव सीजन लेट मी ऑर्डर सम थिंग्स फ्रॉम अमेजोन एंड शेयर माय ऑनेस्ट रिव्यूज़ विद ऑल यू गाइस सो दैट दैट विल हेल्प यू टू डिसाइड द राइट होम डेकोर आइटम दिस फेस्टिव सीजन फॉर योर होम। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे पहले प्रोडक्ट से। जो मेरा पहला प्रोडक्ट है इज़ दिस हैंगिंग टी लाइट होल्डर। As you all guys know, tea light holders are something which uplifts the vibe of the home immediately. So, ये hanging tea light holder बहुत ही ज़्यादा elegant और बहुत ही ज़्यादा warm सा feeling देता है आपके home को अगर आप इसको खरीद रहे हो। यहाँ पर एक hook है जो कि आप hang कर सकते हो ये tea light holder। इसका chain भी काफ़ी ज़्यादा sturdy है और ये है, आप जैसे देख सकते हो, golden color में और यहाँ पर बने हुए हैं तीन पेटल्स जो कि बहुत ज़्यादा एलिगेंट और खूबसूरत दिख रहा है। और ये जो टी लाइट होल्डर का मटेरियल है और फिनिश है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है आई वुड से। और यहाँ पे तीन टी लाइट आप रख सकते हो। अगर आपके घर में इसको हैंग करने के लिए जगह नहीं है सो नेवर माइंड, इसका बेस जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है और आप इसको ऐसे कहीं पर रख भी सकते हो। और डेफिनेटली आप अगर दिवाली में रंगोली वगैरह बनाते हो और उसके पास ऐसा ही एक टी लाइट होल्डर रखते हो तो क्या बात है, दैट Definitely gives a very very good look to your entire home. So I would recommend this product definitely to you if you are planning to buy a tea light holder. इसका जो मैं जितना भी आइटम्स आज शेयर करने वाली हूँ most of them are below 300 I will say. तो चलिए चलते हैं हमारे second product की तरफ जो कि another tea light holder है। तो आपको जैसे कि पता है घर में candles definitely हम जब लगाते हैं घर का एंटायर वाइब बहुत ज़्यादा वार्म सा, कोजी सा और फेस्टिव सा फील देता है। तो मैंने सोचा कि मैं डिफरेंट डिफरेंट टी लाइट होल्डर्स ऑर्डर करूं ताकि ऑन डिफरेंट ओकेजन्स आई कैन यूज़ देम। और दिवाली के टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कलेक्शंस आते हैं तो और सेल भी आता है, तो मैंने कुछ कुछ टी लाइट होल्डर्स ले लिए। तो ये जो नेक्स्ट टी लाइट होल्डर है ये एक लोटस टी लाइट होल्डर है और ये मेरे को काफ़ी अच्छे से पैक्ड होके आया है। दिस इज़ फ्रॉम होम सेंटर ऑफकोर्स, इसके पैकिंग से ही पता चलता है कितना अच्छा है ये टी लाइट होल्डर। सो ये जो टी लाइट होल्डर मेरे को आए हैं इन अ सेट ऑफ टू, इसके अंदर दो कैंडल्स भी है विच इज़ रियली गुड। और ये जो टी लाइट होल्डर ऐसे ही एक आप अगर देखोगे इसका एक लोटस का शेप में है और इसमें डिफरेंट पेटल्स हैं एंड दिस हैज़ अ बेस टू होल्ड द टी लाइट। सो ये मेरे को आए हैं सेट ऑफ टू में। आई जस्ट लव द फिनिश ऑफ दिस टी लाइट होल्डर गाइज। वाई आई लव दिस इज इसका नीदर एक बहुत ही ब्राइट सा गोल्डन का कलर है नॉर बहुत ज़्यादा डल लुक है, ये काफ़ी ज़्यादा एक एंटिक लुक देता है। तो ये जब दो के सेट में आप कहीं पे भी रखते हो और ऑन एनी ऑफ योर सेंटर टेबल, साइड टेबल और मंदिर, कहीं पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैं इसको अपने मंदिर में यूज़ करने वाली हूँ। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हो आप इधर होम सेंटर से जाके ले सकते हो और एल्स यू कैन ऑल्सो ऑर्डर इट फ्रॉम अमेजोन ऑनलाइन। एंड दीज टी लाइट होल्डर्स आर वेरी गुड इन क्वालिटी और इसमें जैसे कि मैंने बोला था ये आपको बहुत ही ज़्यादा एक एंटिक सा लुक देता है। तो चलिए अब तो हो गया टी लाइट होल्डर के बारे में बात, लेट मी टेक यू टू माई नेक्स्ट प्रोडक्ट। मेरा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है इज़ दिस क्यूट ब्लैक बुद्धा स्टैचू। अगर आपको बुद्धा स्टैचूज पसंद है तो आई कैन टेल यू दिस स्टैचू इज़ नॉट गोइंग टू डिसअपॉइंट यू एट ऑल। इसका जो फिनिश है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और मेरा जो इस सीज़न का होम डेकोर है आई हैव मोस्टली फोकस्ड ऑन हैविंग गोल्डन थिंग्स। और क्योंकि मैं गोल्डन का सारा टी लाइट होल्डर्स और सब कुछ यूज़ करने वाली हूँ तो मेरे पास एक ऑलरेडी वाइट कलर के बुद्धा जी थे लेकिन मुझे लगा कि लेट मी टेक अ ब्लैक एंड गोल्डन कलर बुद्धा जी सो दैट दिस बुद्धा टोटली गोज़ विद द गोल्डन वाइब दैट आई एम गोइंग टू हैव। और ब्लैक और गोल्डन का कलर तो कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये जो बुद्धा है इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप अगर इसको कहीं पे ट्रे पे रख के इसके साइड में सेंटेड कैंडल्स या डिफ्यूज़र्स रखना चाहते हो
तो दिस विल नॉट ओनली गिव यू अ वेरी पीसफुल वाइब बट देन इसका जो एंटायर लुक है ये बहुत अच्छे से आता है डिम लाइट में. आई जस्ट लव दिस बुद्धा स्टैचू और ये मेरे को मिला है ओनली 200 रुपीज़ में फ्रॉम अमेज़ॉन. और इसका जो फिनिश है जैसे कि मैंने आपको बोला बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. इसका गोल्डन कलर हर जगह इवनली स्प्रेड थ्रू आउट है और ये एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा बुद्धा स्टैचू है. अब मेरा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इज दिस वुडन ट्रे. तो इधर यू कैन यूज़ दिस ट्रे एज अ सर्विंग ट्रे और ऑल्सो यू कैन यूज़ इट एज अ डेकोरेटिव पीस. जब आप इसको अपने टेबल के ऊपर रख सकते हो और इसके ऊपर कुछ डेकोरेटिव आइटम्स रख सकते हो, जैसे मैंने आपको दिखाया एक बुद्धा स्टैचू या डिफ्यूज़र्स या फ्लावर वास, कुछ भी आप इसके ऊपर रख सकते हो. ये जो ट्रे है ये मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा इसलिए लगा बिकॉज ऑफ द प्रिंट इट हैज़. इट इज़ नॉट जस्ट अ सिंपल वुडन ट्रे बट देन इसका जो प्रिंट यहाँ पे है ये बहुत ही ज़्यादा एथनिक सा और ट्रेडिशनल सा लुक देता है और जनरली फेस्टिव सीजन्स में बहुत अच्छा लगता है जब मेहमान घर में आए आप उनको ऐसे कुछ एथनिक या ट्रेडिशनल से ट्रे में कुछ सर्व कर सको. इसका वुड का क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और आप अगर देखोगे यहाँ पर उसका ये जो हैंडल है ये भी बहुत ज़्यादा एंटिक है और इसका फिनिश बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. ये ट्रे का ओवरऑल लुक मुझे बहुत पसंद आया एंड आई एम श्योर दिस फेस्टिव सीजन दिस ट्रे इज़ गोइंग टू ऐड एडिशनल वाइब गुड वाइब टू माय लिविंग एरिया. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट आर सेट ऑफ टू लैंटर्न्स, वेरी स्मॉल लैंटर्न्स दैट आई ऑर्डर्ड फ्रॉम अमेज़ॉन. ये लैंटर्न्स पेयर्स में आए हैं और दिस लुक सुपर क्यूट. ये जो लैंटर्न है ये बैटरी ऑपरेटेड है और आप इसको जब ऑन करते हो ये फ्लिकर करने लग जाता है. तो दिस गिव्स अ टोटली अ वाइब विच इज़ लाइक वेरी रियल लैंटर्न का वाइब. तो मेरे को ये लैंटर्न काफ़ी ज़्यादा वार्म लगे. आई जस्ट कांट वेट टू यूज़ दीज टू लैंटर्न समवेयर इन माय होम ड्यूरिंग दिवाली. ये लैंटर्न जैसे कि मैंने बोला बैटरी ऑपरेटेड है और यहाँ पे इट हैज़ द स्विच वेर यू कैन ऑन दिस एंड ऑफ दिस लैंटर्न एंड ये लैंटर्न एक क्यूट सा हैंडल के साथ भी आता है. सो आई लव दिस लैंटर्न एंड आई वुड रेकमेंड दिस लैंटर्न टू ऑल यू गाइज बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल. एट द सेम टाइम इट गिव्स अ वेरी वेरी वार्म फीलिंग. नेक्स्ट प्रोडक्ट है इज़ अ सेट ऑफ 3 वॉल हैंगिंग्स. दीज आर ट्रूली ट्रेडिशनल वॉल हैंगिंग गाइज. आई मस्ट से इट हैज़ कम इन 3 पीसेस एंड इसका जो कॉस्ट था वो समवेयर अराउंड 499 रुपीज़ बट दिस वर्थ द प्राइस. इसका जो फिल्म है आप इसको रिमूव कर सकते हो और इसके अंदर एक गोल्डन कलर का मिरर है. जैसे कि आप देख सकते हो इसका कलर बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट सा है और ऐसा कलर डेफिनेटली फेस्टिव सीजन में एक डिफरेंट वाइब ऐड करते हैं आपके घर में. ये बहुत ही पतला सा प्लाईवुड में बना हुआ है सो दिस इज़ सुपर रेंटल फ्रेंडली आई वुड से. अगर आप ऐसा कुछ यूज़ कर रहे हो इसके पीछे टेप्स हैं और आप इसको टेप्स को निकाल के बस इसको सेट कर सकते हो अपने वॉल में. सो यू नीड नॉट पुट एनी नेल्स और एनीथिंग एट योर होम. सो आई जस्ट लव दीज आर्ट पीसेस वॉल डेकोर. तो डेफिनेटली आई विल सी इफ आई कैन यूज़ दिस ईदर इन माय फायर एरिया और समवेयर इन माय मंदिर एरिया. सो ये मंदिर एरिया में यूज़ करने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा एक ट्रेडिशनल एथनिक सा लुक देगा. सो लेट्स सी. अब जो मैं अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट आप लोगों को दिखाने वाली हूँ इज़ वेरी वेरी क्यूट एज वेल एज़ यूज़फुल. तो दिवाली में जनरली हम उर्ली वगैरह यूज़ करते हैं तो मैंने सोचा ऐसे कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स में ला के अपने उर्ली में डाल सकती हूँ जस्ट टू ऐड सम कलर पॉप. सो दीज आर 2 आर्टिफिशियल लोटस फ्लावर्स दैट आई ऑर्डर्ड और ये 2 कलर्स में आए हैं, एक है पिंक और एक है येलो. ये काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट दिख रहे हैं गाइज़ और अमेज़ॉन में इस सीज़न ऐसे लोटस की बहुत सारी कलेक्शंस आए हुए हैं. तो इसमें आई वॉज सीइंग देर इज़ अनादर लोटस फ्लावर जिसमें कि एक ऑटोमेटिक लाइट है विथ अ सेंसर. आप उसको अगर पानी में डाल रहे हो तो इट इमीडिएटली वो लाइट ऑन हो जाता है. तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन बट देन आई वॉन्टेड टू हैव दीज इन सिंपल वे सो दैट मैं इसको बहुत सालों तक यूज़ कर पाऊँ क्योंकि आई एम नॉट श्योर वो सेंसर्स कितने दिन काम करेंगे एंड ऑल. सो आई थॉट आई यूज सम टी लाइट्स और कैंडल्स एंड आई कैन पुट दीज इन माई उडली एंड नेक्स्ट ईयर ऑल्सो आई कैन जस्ट रीपर्पज दिस फ्लावर्स.
So I love these flowers and I would totally recommend this flowers to all you guys. आप इसके बहुत सारे colors है, size है, तो आप अपने हिसाब से इसको order कर सकते हो. इसका link भी मैं डाल दूँगी description box में. तो गाइज जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है इज़ अगेन अ सेट ऑफ 6 वॉल हैंगिंग्स. तो ये जो वॉल हैंगिंग है ये 6 के सेट में आए हैं और ये बहुत ज़्यादा क्यूट सा एक वॉल हैंगिंग है. दो दिस इज़ नॉट ओनली फेस्टिव बट आप इसको बाद में भी घर में यूज़ कर सकते हो. तो वाई आई लव दिस इज़ मैं अपने घर को थोड़ा सा न्यू लुक देना चाहती थी और मेरे को ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. सो लेट मी शो यू दोज पीसेज वन बाय वन. सो ये एक पहला पीस है जो कि अगेन इट इज़ इन अ थिन प्लाईवुड एंड इसके पीछे है दीज स्टिकर्स जिसको आप रिमूव करके वॉल में स्टिक कर सकते हो. तो अगेन दिस इज़ सुपर रेंटल फ्रेंडली. आपको इसके लिए यू डोंट नीड टू यूज़ एनी नेल्स और एनी थिंग. सो और ये बहुत ज़्यादा हल्के हैं सो दिस कैन स्टिक टू योर वॉल रियली वेल. तो ये है पहला पीस जिसमें लिखा है लाइफ इज़ ब्यूटिफुल राइड. सो इससे मैं टोटली रिलेट कर पाई और सो आई गॉट दिस. अगेन देर इज़ अनादर मैसेज विच सेज फैमिली. तो मैं इसको व्हाट आई एम थिंकिंग इज़ मैं ये जो सेट ऑफ 6 हैं इनको यूज़ करूँ इन लाइक इन द सेम प्लेस मैं इन सबको स्टिक करूँ एंड गिव अट एंटायर कॉन्सेप्ट टू अ वॉल. ये जनरली ऐसे वॉल हैंगिंग्स आर कॉन्सेप्चुअल वॉल हैंगिंग्स जो कि आपको इधर गुड वाइब्स के लिए या तो फिर एक कॉन्सेप्ट को ओवरऑल पोर्ट्रे करने के लिए होता है. देन अगेन दिस कलरफुल आउल हैज़ कम विद दिस सेट. जस्ट लुक एट दिस आउल गाइज, दिस हैज़ टोटली स्टोलन माई हार्ट. दिस इज़ सो कलरफुल एंड क्यूट. एंड इसके साथ आए हैं और 3 चीज़ें ऑल्सो विच सेज़ लिव लव लाफ. So definitely this is another nice and positive message. And then it has something called love. And last but not the least is this colorful good vibe. So ye 6 ke set mein aaya hai. So this wall hanging is also one of my personal favorite and I am just thinking ek lighter shade ka wall mera study area mein hai. I'll put all this together and give a nice concept to that wall. Alright, so अब चलते हैं मेरा last product की तरफ. And this is the last product, guys. Look at this girl. She is so colorful and vibrant. So ये जो wall hanging है ये बहुत ही हल्का है. First of all, आप इसको इसके लिए बहुत ज़्यादा heavy nail या ऐसा कुछ नहीं चाहिए. आप अगर इसको चाहो एक 3M tape के through भी you can paste it on your wall if you are staying in a rented apartment and you don't want to put nails. But then इसको वो hang करने के लिए भी यहाँ पे एक nail का arrangement है. अब बात करते हैं इस पेंटिंग के बारे में. ये जो पेंटिंग है ये मेरे को इसलिए पसंद आई, ये बहुत ज़्यादा एक गर्ली एट द सेम टाइम बहुत ही ज़्यादा कलरफुल और वाइब्रेंट सा लुक देता है. तो मैंने सोचा लाइक आई हैव बिन वर्किंग फ्रॉम होम, तो मैं अपना वर्क फ्रॉम होम एरिया को भी थोड़ा सा डिफरेंटली डेकोरेट करना चाहती हूँ इस फेस्टिव सीजन सो दैट आई ऑल्सो फील गुड. तो मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ मेरे स्टडी एरिया में या वर्क फ्रॉम होम में जहाँ से करती हूँ उस एरिया में. सो आई टोटली लव दिस फ्रेम एंड आई कैन सो रिलेट टू दिस फ्रेम. सो थैंक यू गाइज, दैट्स ऑल आई हैड फॉर टुडेज वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. सो आई एम गोइंग टू यूज़ ऑल दीज होम डेकोर्स दैट आई हैव शोन यू टुडे इन अ लिविंग रूम मेकओवर एरिया. सो मैं अपना लिविंग रूम को थोड़ा बहुत मेकओवर दे रही हूँ बिकॉज ऑफ अपकमिंग फेस्टिवल. तो स्टे ट्यून टू माई चैनल एंड दैट वीडियो विल ऑल्सो बी सून अप इन माई चैनल. डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एक्सपीरियंसिस इन शॉर्ट. थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय.